यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई अहम फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज और कैबिनेट की इस बैठक में मोहर लग सकती है कई अहम फैसलों पर, प्रस्तावों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। पुलिस विभाग से संबंधित कुछ फैसला लिया जा सकता है, इसमें लिया जा सकता है। डीएसी नियमावली में संशोधन हो सकते हैं। इसके साथ साथ सिंचाई, पेयजल, गृह विभाग, स्वास्थ्य, आवास विभाग से जुड़े हुए कुछ प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, फैसला संभव है। ये खबर बड़ी है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। जानकारी मिल रही है कि सचिवालय में ही कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज, एक बार फिर से कैबिनेट के मिनिस्टर्स बैठने वाले हैं 11 बजे। वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा संभव है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसमें पीएसी नियमावली पर सबकी नजर रहने वाली है। सिंचाई, पेयजल, गृह विभाग से जुड़े हुए बताया जा रहा है कि कुछ फैसले रखे जा सकते हैं। हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर विस्तार से जानकारियां देंगे। विनोद, 11 बजे कैबिनेट की बैठक, कौन कौन से प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी? राजीव, देखिए, उत्तराखंड सचिवालय में 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है और लॉकडाउन के बाद से ये इंतजार हो रहा था कि 10वीं और 12वीं के स्कूलों के संचालन की तो अनुमति राज्य सरकार की ओर से दे दी गई थी, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा है यानी शैक्षणिक संस्थान है उनको खोलने की कवायद कैसे हो उसको भी लेकर आज मंथन हो सकता है कैबिनेट बैठक में। और साथ ही साथ पेयजल हो, सिंचाई हो, गृह विभाग हो या फिर पीएसी की नियमावली में संशोधन हो, तमाम इन महत्वपूर्ण फैसलों पर भी आज सरकार अपनी मोहर लगा सकती है। और ऐसे में जैसे लगातार अब कोरोना संकट काल के दौरान वैक्सीन को लेकर अब आने की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन अब देश में उत्तराखंड में आ जाएगी, उसको लेकर भी किस तरीके की व्यवस्था होगी उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। लिहाजा काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक में कई ऐसे करीब 20 से ज़्यादा फैसले हैं जिन पर राज्य सरकार अपने मोहर लगा सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बताएं तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की कोविड की क्या क्या व्यवस्था है, वैक्सीन को लेकर कैबिनेट मंत्रिमंडल आज विचार विमर्श करेगा, शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति किस तरीके से होगी, क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, और पेयजल और सिंचाई से संबंधित और गृह विभाग से संबंधित कई ऐसे नियमावली हैं, कई ऐसे फैसले जिन पर आज राज्य सरकार अपनी मोहर लगा रही है। 11 बजे उत्तराखंड सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी और बैठक के बाद में ही ये पता थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा राजीव कि आखिरकार सरकार किन किन महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर लगा इस बैठक में। तो शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर चर्चा हो सकती है, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है कि अभी खोलने हैं या फिर नहीं खोलने हैं। नजर हमारी लगातार कैबिनेट की इस बैठक पर बनी हुई है।